90 के दशक में, उससे पहले के दशकों में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन सभी ने कभी न कभी बड़े पंखों वाले गिद्धों को जरूर देखा होगा। खासतौर से तब जब आसपास कोई जानवर मर जाता था तो उस समय झुंड बनाकर ये गिद्ध वहां पर मंडराने लगते थे। इस पक्षी का इतिहास कितना पुराना है इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पक्षी से जुड़ा प्रसंग रामायण में भी मिलता है। दरअसल जब लंकापति रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जाने लगता है तो रास्ते में देवी सीता का विलाप सुनकर जटायु उनकी रक्षा के लिए वहां पर आ जाते हैं और रावण से युद्ध करते हुए घायल हो जाते हैं। लेकिन जटायु की आज ये प्रजाति स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। पर्यावरण के सफाई कर्मी के नाम से मशहूर गिद्धों की संख्या में 90 के दशक के बाद इतनी तेजी से गिरावट आई है कि भारत में गिद्धों की संख्या कम हो गई है। हालांकि सरकार इनको बचाने के कई प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में यूपी गवर्नमेंट ने भी अब गिद्धों का जो है सेंसस करने का फैसला किया है। इसके लिए वन्यजीव कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और 27 दिसंबर को बलरामपुर के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। इस वर्कशॉप में उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों को वल्चर सेंसस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि गिद्धों की जनगणना के लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ये सेंसस दो चरणों में पूरा होगा जिसमें पहला चरण गिद्धों के प्रजनन काल से पहले और दूसरा चरण गिद्धों के प्रजनन काल के बाद के रूप में रहेगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 90 के दशक के बाद गिद्धों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थी जिनमें से 3 प्रमुख प्रजातियां व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड। इन तीनों प्रजातियों को IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर सूची में रखा गया है। साल 2006 के आसपास ये देखा गया कि गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और कुछ प्रजातियां तो एकदम विलुप्त की कगार पर पहुंच गई थी। जब इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इस विनाश के पीछे एक दवा का हाथ है। दरअसल 90 के दशक में डिक्लोफिनेक नामक एक गैर स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा मवेशियों को दर्द निवारक के रूप में दी जाने लगी। इस दवा के साइड इफेक्ट का पता तब चला जब इस दवा के इस्तेमाल के बाद कुछ मवेशी मर गए, क्योंकि गिद्धों का भोजन ही मरे हुए जानवरों का शव होता है। इसलिए जब गिद्धों ने इन शवों का भक्षण किया तो उनकी भी मौत होने लगी और जब गिद्धों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि दर्द निवारक दवा जो मवेशियों को दी जा रही थी उसके साइड इफेक्ट की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है और उनकी मौत हो रही है। हालांकि जब तक ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में गिद्धों को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। जैसे ही सरकार को डिक्लोफिनेक के दुष्प्रभाव का पता चला तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद देश में पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। 2008 के बाद से देश में गिद्धों को बचाने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसके अलावा साल 2020 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने देश में गिद्ध संरक्षण के लिए गिद्ध कार्ययोजना 2020-25 शुरू किया। इसके अलावा सरकार हर साल गिद्धों का सर्वे भी कराती है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र महाराजगंज में साल 2019 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार साल 2012 में यूपी में गिद्धों की संख्या को लेकर गणना की गई थी और तब प्रदेश में 2070 गिद्ध पाए गए थे। हालांकि 2017 तक इनकी संख्या घटकर 1350 हो गई है। गोरखपुर में DFO और योजना के नोडल अधिकारी विकास यादव ने बताया कि 2018-19 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में गिद्धों को लेकर के सर्वे किया था और इस सर्वे में सामने आया था कि 1990 की तुलना में इस क्षेत्र में केवल 5% गिद्ध ही रह गए हैं और उसके बाद से ही यूपी में गिद्धों को लेकर के कई प्रयास जारी हैं। तो बारी है आज के सवाल की, क्या आपने कभी गिद्धों को देखा है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।